Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज इनशाल्लाह हम लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इन्ना व अखवातुहा इन्ना और उसकी सिस्टर्स जो है हरूफ मुशब्बा बिल जिनको कहा जाता है इनकी डिटेल को सीखेंगे इंशाल्लाह ये कुछ सिस्टर्स हैं और बाय चांस मुझे छह सिस्टर्स की ही एक पिक्चर मिल गई क्योंकि मुझे छह सिस्टर्स के लिए एक पिक्चर चाहिए थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी टॉपिक के लिहाज से पिक्चर मिली तो इन सिस्टर्स को हम नाम देते हैं इन्ना व अखवातुहा ठीक है इन्ना एंड हर सिस्टर्स इन्ना और उसकी बहनें तो आज देखते हैं कि ये बहनें क्या काम करती हैं और इनका क्या अमल होता है जुमला इसमिया के अंदर तो इनशाला इनको स्टडी करते हैं ये जो इन्ना व अखवात है ये सब हरूफ है ठीक है और जब भी हम हर्फ को पढ़ेंगे तो फिर हमें उस हर्फ की जो भी डिटेल है वो हम साथ साथ जरूर साथ चाहे हमारी रिवीजन हो हम लोग चूंकि ये पहले भी कर चुके हैं लेकिन हर हर्फ जब भी हम स्टडी करेंगे तो हम ये भी साथ में करेंगे ताकि हमें याद रहे हर्फ ऐसा कलिमा होता है जो बा मायनी तो होता है लेकिन अकेले कोई मायनी नहीं रखता जब तक किसी इसम या फेल के साथ जुड़कर ना आए इसका मतलब समझ नहीं आता हरूफ और हरूफ जो है वो इसम और फेल के साथ जुड़कर रब्त कायम करते हैं हरूफ मबनी होते हैं ठीक है तमाम हरूफ मबनी होते हैं और आज के हरूफ और हर्फ से रिलेटेड जो सबसे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी ये जो टीचर है हमेशा आती है हर्फ को समझाने के लिए कि हर्फ की दो एक्साम है पहली किस्म है आमिला और दूसरी है गैर आमिला आमिलाफ वो होते हैं जो अपने बाद आने वाले इसम या फेल पर असर अंदाज हो और गैर आमिला ऐसे हरूफ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इसम या फेल पर असर अंदाज़ ना हो मतलब उनपे कोई तब्दीली ना लेकर आए जबकि आमिला हरूफ जो है वो तब्दीली लेकर आते हैं तो देखते हैं कि आज जो हम हरूफ पढ़ने जा रही है इनशाला वो आमिला की कैटेगरी में है या गैर आमिला अभी तक हमने हरूफ आमिला में भी एक तरह एक किस्म को पढ़ा है जार को और गैर आमिला में, में से भी हमने एक तरह के हरूफ को पढ़ा है तो देखते हैं कि आज जो हमारे हरूफ हैं, इन्ना न वाखवात वो हैरूफ आमिला की कैटेगरी में से ठीक है हरूफ मुशिल फैल इन्ना वाखवाहा ये जो है ये आमिला हरूफ हैं, यानी ये अमल करते हैं अपने बाद में आने वाले इसम के अंदर कोई ना कोई तब्दीली लेकर आएंगे ठीक है उस पर असर अंदाज़ होंगे तो वो किस अंदाज में असर अंदाज़ होंगे क्या तब्दीली लेकर आएंगे अब हम वो सीखते हैं अभी तक हमने जो भी इसमें सीखा के किसी भी इसम की हालत जर यानी मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहत हैं जो हम तफसील से पढ़ चुके हैं ठीक है किसी भी इसम के हालत जर में जाने की सिर्फ दो ही वजूह थी और दोनों हम सीख चुके हैं एक या तो वो मरकब जारी में इस मजरूर बन रहा हो यानी उससे पहले हरफ जर हो और दूसरा ये था कि वो मुदाफ बन रहा हो और उससे पीछे मुदाफ हो यानी मुरकब इजाफी का दूसरा जुज और मरकब जारी का भी दूसरा जुज तो ये दो वजूहत हैं किसी भी इसम के हालत जर में जाने की तो अब हालत जर में जाने की और कोई वजह नहीं रही जो हम सीखें जो भी वजूहत थी वो हम सीख चुके हैं तो अब हम फिर देखते हैं कि ये हरूफ जो हैं ये क्या तब्दीली लाते हैं किसी भी इसम के हालत नसब यानी मंसूब होने की तेरह वजूहत है ठीक है वह हालत जर में जाने की वजूहत क्या थी सिर्फ दो सिर्फ दो बहुत ही इजी थी लेकिन जो हालत नसब में जाने की तेरह वजूहत है थर्टीन रीजन अब वो एक एक करके हम स्टेप वाइज वो भी सीखेंगे इनशाला जब जिस जिस वक्त जो भी जिस चीज का वक्त आएगा कि किसी चीज को कब नसब में लेके जाना है तो तब इनश्ल उसका टाइम उसके हिसाब से सीखेंगे आज हम उसकी पहली वजह सीखेंगे ठीक है तो किसी भी इसम की जो हालत नसब में जाने की तेरह वजुहत में से एक वजह ये हरूफ है हरूफ मुश अखवात हा ठीक है तेरह वजुहत में से एक वजह क्या है जो हम सबसे पहली वजह सीख रहे हैं वो पहली वजह ये है कि हरूफ मुशबा बिल फेल इन्ना, वा इन्ना और उसकी बहने चले देखते हैं कि ये नसब तो करती हैं ठीक है ये हमें अभी पिछली जो हमें अभी हमने सीख लिया कि तेरह वजुहत में से एक वजह किसी भी इसम को नसब में ले जाने की वो ये हरूफ है लेकिन ये नसब में किसको लेके जाएंगे ये देखते हैं ये हरूफ मुब्तदा को नसब में ले जाते हैं और उसे अपना इसम बना लेते हैं इसको कैसे इस, अपना इसम बना लेते हैं ये सब इंशाल्लाह आगे मैं सिखाऊंगी इसी लेक्चर में और मुबतदा को कैसे नसब में लेके जाया जाता है क्योंकि अभी तक तो आपने ये सीखा है ना कि मुबतदा हमेशा मरफू होता है और वाकई मुबदा हमेशा मरफू ही होता है अब जब वो नसब में जाएगा तो क्या वो मुबदा रहेगा या नहीं रहेगा मुबदा वाली पोजिशन में रहेगा या नहीं रहेगा ये सीखना है इंशाल्लाह तो चले देखते हैं अब हम स्टडी करते हैं इन बहनों को कुछ कि इन बहनों ये छे तो है ठीक है इन्ना की छे इन्ना का एक एक बहन का तो नाम हमें पता चल गया कि एक बहन का नाम है इन्ना तो बाकी जो पांच बहने हैं उन बहनों के क्या नाम है उनके मतलब क्या है वो सब कुछ इंशाल्लाह हम देखते हैं चले ये बहने जो है अब डिफरेंट एज के हिसाब से आई ठीक है उनकी ये मैंने डिफरेंट एज के हिसाब से इसलिए रखी ताकि मैं इसके जरिए ये भी बता सकूं कि कौन सा लफ्ज कुरान पाक में कितनी बार आया है यानी ज्यादा बार कम बार इस लिहाज से तो सबसे ज्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाला इन हरूफ में से ठीक है शब्फेल यानी इन्ना खवाहा में से जो जो हर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो है इन्ना ये सबसे बड़ी बहन है ठीक है ये सबसे ज्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है और दूसरे नंबर पे जो बहन जिसका नाम ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो है अन्ना थोड़ा सा फर्क है एक बहन है इन्ना और दूसरी बहन है अन्ना और दोनों में देखिए हाइट में भी कितना कम फर्क है इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जो है ना अन्ना भी इन्ना के बराबर ही है लेकिन कम है इन्ना की नस्बत कम इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में और यहाँ पे इन दोनों बहनों के मुतालिक मैं ये बताती चलू कि इन दोनों के काम बिल्कुल एक जैसे हैं ये दोनों बिल्कुल एक जैसा ही अमल करेंगी और सिर्फ फर्क क्या है इन दोनों में कि इन्ना जो है वो जुमले के शुरू में आती है आता है ठीक है इन्ना का जो हर्फ है वो जुमले के शुरू में आता है और जो अन्ना है वो जुमले के दरमियान में आता है आयत के दरमियान में आता है बस सिर्फ ये फर्क है बाकी इनका जो भी आ, जो मैं आके इनशाला एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के साथ कि ये किस तरीके से असर अंदाज होते हैं तर्जुमे में क्या चेंजिंग आती है वो सब इनकी सेम है अगली हम तीसरी सिस्टर की तरफ चलते हैं वो है ला अल्लाह तीसरे नंबर पे जो ज्यादा लफ्ज इन हरूफ में से इस्तेमाल हुआ वो है ला अल्लाह चौथे नंबर पे जो लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ है हर्फ, वो है ला किन्ना ठीक है अब ये बहनों के नाम है ठीक है इन बहनों के नामों में मुताबिक भी देखे कितनी ज्यादा है अक्सर हम भी जब बहनों के हमारे नाम होते हैं तो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं ना तो इन बहनों के भी नाम देखे आपस में मिलजुल रहे हैं आपस में अच्छा जो पांचवें नंबर पे है बहन वो है का अन्ना और सबसे छोटी बहन जो सबसे ज्यादा कम मतलब कुरान में इनकी इन बाकी रूफ की नस्बत कम इस्तेमाल हुई है वो है लइता अब इन छह बहनों के तो आपको नाम पता चल गए कि इनके क्या क्या नाम है इनके अपने जो जाति नाम है इनके क्या नाम है लेकिन इनका एक खानदानी नाम भी है एक खानदानी नाम मैं इसलिए कह रही हूं ताकि आपको चीज ना जहन में मिले की अब इनके अलावा मैं एक नाम बता रही हूँ कि वो एक और नाम है तो जैसे हम लोगों के भी देखिए हम हम भी पांच चार बहनें घरों में अक्सर होती जैसे हम मैं चार मेरी तीन बहनें मुझे मिला के हम चार बहनें हैं लेकिन हम हमारा एक खानदानी नाम भी तो होगा ना जिसे हम कहते हैं सर नेम जो हमारा खानदानी नाम चलता है तो इनका जो खानदानी नाम है वो है मुशा बिल फाइल ये इनका एक नाम है जो इन छे की छे को हम कहेंगे कि ये इस हरूफ में से यानी इस खानदान में से हैं ये छह बहने ठीक है ये जाति नाम तो अलग हो गए ना अब मैं कहूँ कि ला अल्ला कौन सा हर्फ है तो आप कहेंगी कि ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल है यानी कि उस कैटेगरी में से है हर्फ मुशब्बा बिल फेल में से है ये उसका खानदानी नाम या एक कास्ट का नाम है तो वो उसमें से है ये ठीक हो गया तो ये खैर ये कास्ट ये जात ये जो मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए समझाने के लिए बताया है ठीक अच्छा अभी हम देखते हैं इन हरूफ मुशबल फेल में जो हरूफ आए हैं इनके मायने क्या है इन, इन्ना का मायने क्या है अब हम फिर वही बात है मैं हर चीज को रिलेट करती हूँ हम जो हमारे अपने जाति नाम होते हैं जब हम किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो सुनने वाला कहता है अच्छा इसका नाम का मतलब क्या है हर कोई बच्चे का नाम का मतलब ही पूछता है ना कि बच्चे का नाम तो ये रखा है इसका मतलब क्या है तो इन बहनों के नाम तो आपको पता चल गए अब इन बहनों के कोई नाम के मतलब भी होंगे तो इनशाला वो देखते हैं इन्ना का मतलब है बेशक यकीनन। इंग्लिश में हम कहें तो सर्टेनली वेरली ट्रूली ट्रूली और uh, मतलब इस डीज जो हम इस ताकीद एक जो है ना एम्फेसिस पैदा करना है जुमले के अंदर तो ये वो काम करता है इन्ना अन्ना भी बिल्कुल सेम करता है लेकिन वो बेशक के साथ के का मायने भी देता है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो जुमले के दरमियान में आता है आयत के दरमियान में आएगा तो जब हम इसका तर्जमा करेंगे ना तो के भी साथ लगाएंगे के बेशक ऐसे करके जबकि जुमला जब, जब स्टार्ट ही बेशक से होगा तो के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जब एक जुमला शुरू हो रहा होता है तो बीच में जब के लगाएंगे तो वो जब इनशाला पूरी आयत को मैं एनालाइज करवाऊंगी तो उसमें आपको समझ लगेगा इनशाला तो इसका मतलब अन्ना का मतलब भी बेशक है लेकिन बेशक के साथ के जरूर लगाना होगा इसके अलावा का अन्ना इसका मतलब है गोया के गोया के मतलब जैसे लाइक जैसे आप इनको याद किस तरह से कर सकती हैं कि जिसके आखिर में नूर में शद आखिर में आ रहा है ना उन हरूफ का इकट्ठा याद कर लें और कुछ हरूफ है जिनके शुरू में लाम आ रहा है सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर मैं इन इसमें भी बताती हूँ लाकिन्ना लाकिन्ना का मतलब हमारी उर्दू जुबान से मिलता जुलता ही है लेकिन यह हमने हरूफ उसमें भी सीखा था हरूफ अतफ में वो था लाकिन उसमें नून के ऊपर जजम है और यह है ना इसमें तशदीद आ रही है ठीक है तो वो लाकिन जजम के साथ तो वो हरूफ अतफ हो गया और ना जो है ये हर्फ मुशबेल हो गया अब यहाँ पे देखेंगे जो चार हरूफ अभी आप देख रही है इन सारों के आखिर में नून मुश्द है तो आप इनको यहां से याद कर सकती है इन्ना अन्ना का अन्ना लाकन्ना आप देखिए कितना आसानी से याद हो गया ना एक तसलसल चल रहा है इन बहनों के नामों में एक जैसे नाम अक्सर हमारे नाम होते हैं एक जैसे नाम सब पे होते हैं बस थोड़ा सा चेंज होता है बाकी जो है ना काफिया सबके मिल रहे होते हैं सारों के एक जैसे नाम होते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा बहन के नाम में उसमें आ जाएगा ला अल्लाह इसमें शुरू में लाम जिस ना बिल्कुल लाकिन्ना में, ला में शुरू में लाम है तो इसमें भी शुरू में लाम है तो अब यहाँ से मुताबिक चलेगी कि शुरू में लाम लाकिन्ना तक जब आप पहुंचेंगी तो यहाँ से भी आपने याद रखना है कि अच्छा इसकी जो अगली बहन होगी उसका नाम भी लाम से शुरू होगा ला अल्लाह और उससे अगली जो बहन होगी उसका नाम भी लाम से शुरू होगा लईता यानी कि तीन भेन, चार बहनें हैं जिनका इखता जो है नून मुश्दत पे हो रहा है आपने उससे याद रखना है इन्ना अन्ना तो बिल्कुल सेम है का अन्ना क्योंकि अन्ना के साथ ही बस काफ लगा दिया है अन्ना उसके साथ काफ लगा दिया तो का अन्ना और लाकन्ना आ जाएगा जब लाकन्ना तक पहुंचेंगी ला से जब बात शुरू होगी तो फिर आप जहन में रख लें अब लाम अब जो अगली बहनों के नाम है वो लाम से एल से स्टार्ट होंगे एल से स्टार्ट होने वाले नाम लाअ्ला लयिता अब जो लाअल्ला का मतलब है वो है शायद शायद या फिर ताके भी का भी इस्तेमाल होता है लयिता का मतलब काश हसरत एक कोई किसी चीज की हसरत कोई विश होना कोई एक ख्वाहिश होना कि काश ऐसे होता जो हम काश की मायनी करते हैं ना अक्सर जो कुरन पाक में लयिता से रिलेटेड जो आयात आई हैं ये जो हरफ आया है वो इसमें आया कि काश हम दुनिया में दोबारा लुटाए जाए और हम नकमल कर लें ठीक है तो उस सेंस में है ये लाइता काश के मायने में तो ये आपको जहन में रख रहे हैं कि ये इनके नाम है इन बहनों के तो हरूफ मुशबा बिलफेल इसके अंदर कितनी, ए, कितने हरूफ शामिल हैं छह हरूफ शामिल हैं और वो ये है ठीक है कितने हरूफ शामिल हैं छह हरूफ है हरूफ मुशबा बिलफेल में और वो है ये इन छह हरूफ को हरूफ मुशबा बिलफेल कहते हैं और ये इनको इन्ना अखबातुहा भी कहते हैं यानी कि इन्ना की सिस्टर्स अब इन ये सिस्टर्स का हमने तारुफ तो देख लिया कि हर सिस्टर का नाम क्या है और उनका मतलब क्या है इनका खानदानी नाम क्या है तो अब हम जो है ना सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हुई है हुई जिस बहन का नाम सबसे ज्यादा आया इन्ना इसको हमजा सीखते हैं क्योंकि अभी जो मैं रूल इसमें सिखाऊंगी मैं आपको बिल्कुल बल्कि बताती हूँ इन कि वो उसमें क्या क्या आगे होगा चले ठीक है इन्ना क्या क्या करता है इन्ना व अखवात इन्ना और उसकी बहने ये जो अब रेड कलर में आया है ना इसके साथ मैंने अखवात भी इसीलिए लिखा क्योंकि अब जो मैं रूल बता रही हूँ बज़ाहिर आपको सिर्फ इन्ना लिखा नजर आ रहा है लेकिन ये बात सिर्फ इन्ना के लिए नहीं बाकी सारी बहनों के लिए है सब हरूफ के लिए है यो छः हरूफ ये कि ये हरूफ नासिबा भी कहलाते हैं इन हरूफ का एक प्रोफेशनल नाम है प्रोफेशनल नाम यानी एक तो ये होता है ना कि ये इनके अपने जाति नाम है इन्ना, अन्ना का अन्ना ये इनके अपने जाति नाम है लेकिन ये काम क्या करते हैं इनका अमल क्या होता है उस लिहाज से इनका एक नाम है ये इनका नाम है नासिबा कि ये अमल क्या करेंगे ये अपने बाद में आने वाले इसम को नस्ब में ले जाएंगे ना तो इस वजह से इनको कहा जाता है हरूफ नासिबा बिल्कुल जिस तरीके से हरूफ जार हरूफ जार का नाम हरूफ जार क्यों रखा गया क्योंकि वो अपने बाद में आने वाले इसम को हालत जर में ले जाते हैं उनका अमल से रिलेटेड उनके प्रोफेशनल नाम जो है ना उनका वो है कि हरफ जार क्योंकि वो अपने बाद में आने वाले इसम को जर में ले जाते हैं तो इनका जो प्रोफेशनल नाम है वो है हरफ नासिबा ये तमाम हरूफ क्योंकि अपने बाद में आने वाले इसम को नसब में ले जाएंगे यानी मुफ्ता को नसब में लेके जाएंगे ठीक है हर इसम को नहीं हर इसम को नहीं ये नहीं कि अपने बाद आने वाले हर इसम को नहीं ये मुफ्त दग को नसब में लेके जाएंगे और किस तरह से लेके जाएंगे वो इनशाला मैं बताऊंगी इन्ना की जो अब मैं खासियत बता रही हूँ ये खासियत सिर्फ इन्ना और अन्ना के लिए है इन्ना और अन्ना वो क्या है कि ये हरूफ जो है ताकिदी हरूफ भी कहलाते हैं हरूफ ताक़द इनको कहा जाता है एक नाम इनका ये भी है और वो क्यों है इसलिए क्योंकि ये तर्जुमे में ताकिदी मफहूम देता है तर्ज़म़े में एक एम्फेसिस एक जोर एक स्ट्रेस पैदा कर देगा उसके अंदर मायने ऐसे देगा जिसे बाद में वो एक वजन पैदा हो जाएगा ठीक है तो वो इनशाला जब आयत होगी सात तर्ज़म़ा होगा तो फिर उसके हिसाब से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये दो काम है इन्ना के जो आप इस जब इन्ना आ जाए तो आपने क्या, क्या क्या कहना है कि इन्ना जो है Uh, किन हरूफ में से हरूफ मुशबाबिल फेर में से है इन्ना क्या काम करता है तो आप कहेंगी इन्ना जो है मुर्तदा को नसब में ले जाता है इसलिए उसका नाम हरफ नासिबा भी है इन्ना जो है वो तर्जमे में ताक़ीदी मफहम पैदा करता है इसलिए इसका नाम हरफ ताक़ीद भी है ठीक है जिस तरह हर इंसान का कोई ना कोई प्रोफेशनल भी होता है ना एक इंसान मैं अगर, अगर अपनी मिसाल दू मेरा नाम तो देखें हाँ, हाँ प्रोफेशन क्या है मेरा मैं डेंटल नर्स भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ अरेबिक की तो ये मेरा जो मैंने कहा डेंटल नर्स हूँ और मैं अरेबिक टीचर हूँ ये मेरा प्रोफेशनल नाम है कि मैं काम क्या करती हूँ बिल्कुल इसी तरह इना जो है ये इसके प्रोफेशनली दो नाम है कि ये दो मल क्या करती है काम क्या करता है ये काम हर्फ जो है अच्छा अब हम देखते हैं मुफ्तदा और ख़बर को ले आते हैं अब अपना काम शुरू करते हैं कि ये इन्ना और अखवा कैसे असर होती है मुफ्तदा के ऊपर मुफ्तदा और ख़बर की जो इराबी हालत है वो होती है मरफू मुफ्तदा भी मरफू खबर भी मरफू जो कि हमने शुरू से अभी तक यह पढ़ा है कि मुर्तदा खबर हमेशा मरफू होते हैं अब अगर इनसे पीछे इन्ना अखवात में से कोई भी हर्फ आ जाए इन्ना आ जाए अन्ना लाला कोई भी हर्फ आ जाए ठीक है तो ये जो हर्फ है ये हर्फ क्या करेंगे ये अटैक करेंगे किसके ऊपर अटैक करेंगे मुफ्तदा के ऊपर अटैक करेंगे ठीक है इनका जाके असर जाके मुफ्त के ऊपर पड़ेगा खबर के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होंगे मुफ्तदा के ऊपर अंदाज होंगे और उसके ऊपर अटैक करेंगे और अटैक किस लिहाज से करेंगे मुफ्तदा आपको पता है इसम होता है मुफ्तदा हमेशा इसम होता है खबर जो है वो इस्म भी हो सकती है और खबर वो खबर जो है ना वो इसम भी हो सकती है और फेल भी हो सकती है तो मुफ्तदा जो है वो इसम है तो उसकी चार फिर खसूसियात चार प्रॉपर्टीज हैं उसकी वो क्या क्या है कि वो अद जेन्स एराब वसत तो ये जो इन्ना है ना उन चारों खियात में से किसी एक खास उसकी जो खसूसियत है ना उस पर अटैक करती है और वो है इराब इराब के ऊपर जाके इन्ना जो है ना अटैक करेगा मुर्तदा के और किसी चीज पे अटैक नहीं करेगा ना अदद पे ना जिन्स पे ना वसत पे इराब के ऊपर जाके अटैक करता है इराब अगर मफू था तो अब जाके जब उस पर अटैक होगा तो क्या होगा कि यही मुर्तदा मरफू जो है ये नसब में तब्दील हो जाएगा ठीक है अब ये हो गया नसब अब मुझे बताएं कि मुफ्तदा तो हमेशा मरफू होता है अब जब ये नसब रहे हो जाएगा तो क्या ये इसको हम मुफ्तदा कहेंगे अब इसको हम मुफ्तदा नहीं कह सकते तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि मुफ्तदा बेचारा जारो के ना रोना शुरू कर देगा क्योंकि उसकी एक खसूसियत खत्म हो गई अब जब एक खसूसियत खत्म होगी तो इसका मतलब है कि उसका वो ओहदा भी खत्म हो गया जिस प्रोफेशन पे वो बैठा हुआ था मुफ्ता के प्रोफेशन में जिस सीट पे वो बैठा हुआ था वो उसका अहदा खत्म हो गया मुफ्तदा क्या वो तो अब क्या होगा कि इन अखवा जो है ना ये बहनें जो है ये फिर इनको तसली देती हैं मुफ्तदा और खबर को अब जब जहरी मुफ्त ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर खबर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है तो फिर ये इन्ना अखवाज जो है ना तसली देती है इनको कि तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो हम तुम्हारे साथ हैं हमने तुम्हें चेंज किया है तो हम तुम्हें अपना नाम देंगे हम तुम्हें अपना इसम बना लेंगे अब ये मुबतदा मुफ्ता नहीं रहेगा बल्कि इसको कहा जाएगा इसम इन्ना ठीक है ये कहानी हो गई कि आप जरिए बताए मुफ्तदा की रिक्वायरमेंट है कि वो मरफू हो अब जब वो मरफू ही नहीं रहा तो वो मुफ्त नहीं रहेगा फिर मुफ्त अपनी वो खासियत खो चुका है ठीक है तो अब जब वो अपनी खासियत खो चुका तो अब इन्ना ने इसको चेंज किया ना इन्ना ने चेंज किया या आ, अन्ना ने चेंज किया या ला अअ्ला जो भी पीछे हर्फ होगा वो हर्फ इसको अपना नाम दे देगा उस मुबदा को अपना बना लेगा अब देखे वो आगे जो आ, इन्ना को अपना नाम दे और खबर को अपना नाम ना दे ये तो फिर सुतेलापन हो गया ना सुतीला सलूक तो नहीं करेगा फिर वो तो वो कहेगा कि नहीं खबर को भी वो तसली देगा कि तुम भी फिक्र ना करो तुम्हें भी मैं अपना नाम दूंगा और मैं बना लूंगा खबर इन्ना ठीक है अब ऐसा तो नहीं, नहीं कि आधे हिस्से को तो वो अपना ले और आधे हिस्से को ना अपनाए अब अब उसने उनके मुब्तदा और खबर के बीच में जो वो कमिटमेंट था वो पूरा का पूरा तोड़ दिया दोनों जुजों को हिला के रख दिया तो अब क्या करेगा कि वो दोनों को फिर अपना नाम देगा ठीक है अब क्या होगा कि ये सिलसिला अब जब वो इना को जो नसब में लेके जाएगा तो वो अब वो इस चार्ट में से किस को लेके जाएगा ये चार्ट आपको याद आ रहा होगा हमने शुरू के लेक्चर्स में किया था कि रफा कैसे होता है नसब क्या और जर अब जो होगा मुफ्तदा जो नसब में जाएगा वो इन्ही कैटेगरी में से कुछ ना कुछ होगा जर वाली हमने जो है ये चीज हमने डिटेल से सीख ली कि कोई चीज मुस्लिम मीन अगर होगा तो क्यों बनेगा ए नी की साउंड आएगी या ईना की साउंड आएगी तो कैसे आएगी आज हम देखेंगे कि अगर मुफतदा मुस्लिम मून था तो वो मुस्लिम बन जाएगा क्यों बनेगा पीछे कोई ना कोई जरूर हरफ नासिबा होगा हरफ नासिबा मैंने क्यों कहा कि प्रोफेशनली नाम लिया उनका यानी इन्ना हा में से इन्ना खवा में से इन्ना की बहनों में से कोई ना कोई एक हर्फ होगा मौजूद अगर वो मुसना होगा मुस्लिम माँ नहीं तो वो तब्दील होकर मुस्लिम मैं नहीं बन जाएगा अगर वो मुस्लिम मू लफ्ज था तो वो मुस्लिम मी ना बन जाएगा ठीक है किस वजह से क्योंकि पीछे हर्फ नासिबा होगा कोई ना कोई हर्फ होगा हर्फ बिल फेल में से अच्छा चले अभी हम इसको आगे भी देख लेते हैं कि ये तो हो गया एक मुजक्कर की एग्जाम्पल अभी हम एक मुन्नस की एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें भी अगर नसब होगा तो वो नसब की इस कैटेगरी में से कोई ना कोई लफ्ज होगा मुफरत होगा तो आपको तामरता नजर आ जाएगा मुसना होगा तईनी की साउंड जमा होगा तो आतीन होगा आतुन से वो आतीन बन जाएगा क्योंकि उसको पीछे उसको नस्ब कर दिया गया होगा ये तो नकरा की एग्जाम्पल देख ली एक आप मार्फा की भी देख लेते हैं कि उसके साथ अल लग जाएगा इस जिस तरह ये मुनस है बिल्कुल इसी तरह मुजक्कर भी होगा अलमुस्लिम मु, अलमुस्लि अलमुसली ना मुस्लिम मु, सॉरी मुस्लिम ये बीच में हुआ है मैं अभी दोबारा कनेक्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ इन आजकल इंटरनेट में मुझे कोई हो रहा है ये प्रॉब्लम चल रही है <coughs> चलें इन्शाल्लाह अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ना मुफ्तदा जो है वो अब अ, अ, पहले तो हमने देखा ना मुफ्तदा और खबर में क्या तब्दीली अभी हमने वो लफ्ज भी लिख लिए हैं आपको स्क्रीन शो हो रही है आप सबको नहीं हो रही, नहीं हो रही है अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही साइन आ रहा है कि वेरी सोन आ जाएगा लाइन ऐसे आ रहा है कि शो हो जाएगी अच्छा एक मिनट में आई होप इनशाला जल्दी हो जाएगा भी अब अब आ रही है आपको सा स्क्रीन जी अब स्लोली स्लोली जा रहा है उसके तो पे वापस चलिए ठीक अब हो गया जी इंशाल्लाह आप शुरू करते हैं <coughs> अब देखते हैं कि जो किसी के वो दो मिनट कर ले तो किसी के कर ले अच्छा अच्छा अल्लाह अल्लाह मुब्तदाजी चले अल्लाह मुफ्त हो गया और गफूर खबर है अब इसमें यहाँ पे पीछे आ जाएगा अल्लाह गफूर है इसका जब हम मायने करेंगे तो इसका मायने हो जाएगा कि अल्लाह गफूर है ठीक है लेकिन अगर हम ये करना चाहें कि बेशक अल्लाह गफूर है जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा करने को कहें एक एम्फेसिस जोर पैदा करें कि बेशक अल्लाह गफूर है तो इसके लिए क्या होगा कि पीछे इन्ना आएगा अब जब इन्ना आएगा तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा इसने अपना अमल तो करना है तो ये क्या करेगा हसब नसब चेंज कर देगा नसब कर देगा जो रफा है उसको नसब में ले जाएगा तो क्या होगा कि जो अल्लाह के ऊपर जो पेश थी देखें ये गिर जाएगी ठीक है इसकी पेश गिर गई और उसकी जगह आ गई जबर ये जबर किस वजह से आई क्योंकि पीछे हर्फ नासिबा यानी हरूफ हर्फ मुशबा बिलफेल इन्ना है इसने इसको मुफ्त पे अटैक किया और मुफ्त को नसब में ले गया अब क्या होगा ये मुफ्तद मुफ्त नहीं रहेगा और खबर खबर नहीं रहेगी तो मुफ्त गिर गया उसका नाम हो गया इसम इना और खबर की जगह हो गया खबर इना इसम इन्ना अपनी खबर इन्ना के साथ मिलकर पूरा बन गया जुमला इसमिया जुमले में कोई तब्दीली नहीं होगी जुमले के नाम के अंदर क्योंकि जुमले दो ही तरह के हैं या तो होगा जुमला इस्मिया या फिर होगा जुमला फेलिया तो जुमले का नाम नहीं तब्दील होगा वो उसी तरह ही रहेगा <coughs> आप देखते हैं कि क्या इन्ना ने अपने जो काम है वो किए हैं इसका तर्जुमा जब होगा तो इन्ना का तर्जमा हो गया बेशक तर्जमे के अंदर ये तब्दीली ले आया ठीक है ताकिदी मफहम ले आया बेशक का मायने तो इन्ना जो है हरफ नासिबा कहलाता है क्योंकि ये मुबदा को नस्ब कर देता है तो देखे इसने मुबदा को नसब कर दिया इसके अलावा इन्ना का क्या काम था कि इन्ना हरफ ताक़ीद भी कहलाता है क्योंकि ये तर्जुमे में ताकीदी मफहम देता है तो देखें इसने तर्जुमे में एक ताकीदी मफहूम दे दिया पहले सिर्फ क्या था कि अल्लाह गफूर है और अब क्या है कि बेशक अल्लाह गफूर है तो ये चेंजिंग होगी इन्ना के आने से कि वो दो काम क्या करेगा अच्छा अभी हम इसको देखते हैं हरूफ लफ्ज आता है जैसे इन्नमीना तो ये जो अल मीना में जो नून के ऊपर जबर है वो किस वजह से हुई इन्ना की वजह से तो अब अल मीना को हम कहेंगे कि ये इसम इन्ना है तर्जुमा हो जाएगा बेशक मोमिन मुसन्ना होगा तो इन्नल मुमिन नईनी ठीक है आईनी की साउंड आ गई बेशक दो मोमिन और जमा होगा तो इन्नल मुमिनीना ईना की साउंड और इसका तर्जमा हो जाएगा बेशक मोमिनीन तो अब आपको पता मतलब चल गया होगा कि ये देखिए मोमिनीना जो है ये हालत जर में भी ये साउंड आती है और नसब में भी आती है लेकिन आप इंशाल्लाह बहुत आसानी से पहचान कर लेंगी कि कब ये नसब है और कब ये जर यहीं पे अगर इन्ना की जगह मैं यहाँ पे फी लगा दू तो आप समझ गई होंगी कि ये अब अलमोमिना है ये हालत जर में है क्योंकि पीछे हरफ जर है लेकिन अगर इन्ना लगा होगा तो फिर आप कहेंगी कि ये अलमोमिनना नसब है अल्मीन बिल्कुल सेम है लेकिन पीछे जो हर्फ होगा ना वहां से आपने पहचानना है कि कब ये नसब है और कब ये जर अगर पीछे हरफ जर आ गया जो कि यारह हरूफ है और उनको याद करना मुश्किल नहीं है उन चारा हरूफ में से कोई हर्फ आ गया तो आप समझेंगी कि ये जो अब अलमो मीन इना की जो भी, जो भी लफ्ज है उसमें की अगर साउंड है तो वो हालत जर में है और इन्ना खबा तो है बहने वो तो आप ऑलमोस्ट आपको याद होगी होंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया होपफुली तो उन छह हरूफ में से कोई हर्फ आ जाएगा तो आप समझ आएंगी कि अब जो ये जो ईना की साउंड है ये नसब की वजह से है जर की वजह से नहीं है अच्छा चले अब हम आयतों की तरफ आगे हैं बाकायदा हमने आयात का स्टार्ट कर देना है इनशाला पहली आयत में आपको करके भी दिखाती हूँ फिर इनशाला आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा इन्ना क्या क्या है इन्ना हर्फ नासिबा है हर्फ ताक़द है और मुशबा बिल फेल है इनमें से कुछ एक भी आप याद कर लें तो काफी है हर नासिबा सिर्फ कर लें तो भी काफी है हर फाकीद भी कर लें तो भी सिर्फ एक भी कह देना तो काफ है काफी है मैंने सारे इसलिए लिखे ताकि आपको सारों की पता हो कि इस हरफ इन हरूफ को क्या क्या और कहा जाता है अब अशाना नून के ऊपर देखें जबर आ गई ठीक है तो इस अशाना को अब हम कहेंगे इसम इन्ना अब ये मुबदा नहीं कहलाएगा इसम इन्ना लिल इंसानी में जो शुरू में लाम है ये लामे जर है ठीक है लाम हरफे जर जिसकी वजह से इंसानी नून के नीचे जेर आ गई तो वो अगला जो इसम है वो फिर मजरूर हो गया जार मजरूर मेल के मरकब जारी बन गया अब हम पहले अदुब की तरफ चलते हैं अदुव है मौसू और मुबीन हमें पता चला कि ये मौसू और सिफ्त है क्योंकि अगर आप देखें कि ये दोनों में मुताबकत कितनी चल रही है दोनों वाहिद दोनों मुजक्कर दोनों नकर दोनों ही रफा हालत में तो ये इस मरकब तो की सारी खसूसियात इसके अंदर पूरी हो रही है ये मरकब इशारी नहीं बन सकता क्योंकि पहला जूज इससे इस इशारा नहीं है ये मरकब जारी नहीं बन सकता क्योंकि पहला जू जो है वो मरकब जारी नहीं है ये मरकब इजाफी नहीं बन सकता क्योंकि जो पहला जूज है उसके ऊपर तनवीन है और तनवीन कभी भी मुदाफ के ऊपर नहीं आती तो इसलिए ये मरकब इजाफी भी नहीं है मरकब तो की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो कन्फर्म हो गया कि यह मरकब तो है अब ये मरकब तोी जो है मिल के पूरा बन गया मरकब तो मिल के बन गया मरकब तो अच्छा अब दो मरकब सामने आओगे एक है मरकब जारी और एक है मरकब तोसीफी। तो अब हम देखते हैं पहले मरकब तोसीफी को कि ये जुमले में क्या बन रहा है दोनों नकिरा दोनों रफा तो खबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि खबर नकिरा भी होती है और खबर रफा भी होती है तो इसका मतलब कि ये जो मरकब तोसीफी है ये इस वक्त खबर इन्ना बन गया ठीक है खबरु इन्ना अब ये खबर इन्ना।, इन्ना है तो मरकब जारी मरकब जारी जब खबर मौजूद हो तो फिर क्या कहा जाएगा उसको मुतिक खबर तो ये मरकब जारी बन जाएगा खबर, खबर से एक इंफॉर्मेशन है अपने इन्ना, खबर इन्ना और खबर से मिलकर पूरा बन गया जुमला इसमिया अब इस पूरे जुमले इसमें का हम तर्जमा जब करेंगे तो इन्ना का तर्जमा बेशक शैतान का शैतान रहेगा लिल इंसानी इंसान के लिए मैंने ही क्यों लगाया वो मैं अभी बताती हूँ आदुवन उन खुला दुश्मन है मैंने बताया था कि जब खबर मुतल खबर खबर से पहले आ जाए तो उसमें एक जोर पैदा होगा एक इस तर्जमे में एक लहजा चेंज होगा तो यहाँ पे भी देखेंगे जो मुताल खबर है वो खबर से पहले आई है तो अब आप जब तर्जुमा करेंगी तो आप कहेंगी कि बेशक शैतान इंसान ही के का इंसान ही के लिए खुला दुश्मन है अब यहाँ पे इस जुमले के अंदर दो दो जो है ना ताकदे पैदा हो गई हैं दो दो जोर एक है इन्ना की वजह से एक है ख़ब, मुतल खबर मुकदम की वजह से यानी कि मुकदम हो गई है खबर पहले आ गई है खबर से मुतल खबर पहले आ गई है खबर से तो दो दो, दो लहजे इसके अंदर आ रहे हैं दो दो ताकिदे के बेश शैतान इंसान ही के लिए खुला दुश्मन है ठीक हो गया तो ये थोड़ी सी जो है ना लबो लहजा जो चेंज होता है वो इसी वो तब हम होगा जब हमें अरबी आएगी जब हमें पता चलेगा क्या मुतलिक खबर है क्या खबर है क्या मुबदा है क्या इस्ना है इसम इन्ना हुआ तो इसका मतलब है कि हर हर्फ, हरफ इन्ना आया है तो ये जब चीजें पता होंगी तो ही हम तर्जमा अच्छी तरीके से लहजे में कन्वर्ट कर सकेंगे ना तो चले अभी हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहेंगी आज इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं <coughs> जी कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहेंगी कोई सी भी सिस्टर आ जाए जी सिस्टर जी, जी आ जाए। अच्छा जो शुरू में शाही दू है ना इसको नहीं करना ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि अन्ना जो है जुमले के आयत के दरमियान में आता है इसलिए मैंने वो पहला वाला भी साथ लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये आयत के दरमियान में है लेकिन इस वक्त हम शाही दू को नहीं पढ़ेंगे उसको नहीं मतलब देखेंगे अन्ना से शुरू करेंगे अन्ना क्या है फेल या, आ, हरसे ताकीद। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया हरफ नासिबा भी कह सकते हैं ताकीद भी और मुशबा बिलफेल। अच्छा और रसूला ये लाम के ऊपर जबर क्यों है ये अन्ना के कारण है हम्म हम्म। तो अब इसको हुँ. क्या नाम देंगे इसमें ना देंगे क्योंकि वो अन्ना ने मुबतदा को इसमें हाँ बिल्कुल ठीक हो गया इसको हुँ. इसम अन्ना कहेंगे हक्कुन ये क्या है मैम क्योंकि इस पे अब ये रफा है और तनवीन आ गई तो फिर ये अब खबर अन्ना हो गया माशाल्लाह परफेक्ट जबरदस्त अब अन्ना अपने इसम अन्ना और खबर अन्ना के साथ मिलके कौन सा जुमला बनेगा जुमला इसमिया जुमला इसमिया अब तर्जुमा अन्ना से ही करें ठीक है शाही दू का मतलब है कि उन्होंने गवाही दी या उन्होंने शहादत दी गवाही दी उसको भी रहने देते हैं आ, अन्ना से तर्जमा शुरू करें जी बेसक के के पहले लगाए के बेशक जो मैंने के मैंने कहा ना कि शाहिदू का मतलब है कि उन्होंने गवाही दी के बेशक के इसलिए लगा क्योंकि देखिए जुमला बात एक कंटिन्यू है एक बात चल रही है उन्होंने गवाही दी के बेशक के बेशक और हकुन। रसूल हक पर रसूल हक पर हैं हाँ रसूल हक पर हैं या रसूल सच्चे हैं या नहीं। नहीं। रसूल हक है इस तरह भी कह सकते हैं ठीक हो गया दैट्स गुड नेक्स्ट भी आप कर ठीक हर्फ है हर्फ ताकीद, हर्फ नासिबा। अच्छा, इसको सिर्फ हर्फ नासिबा और मुशबा बिलफे ताकिदी मकलूम सिर्फ दो हर्फ है अन्ना और अन्ना जो ताकि पैदा करते हैं तो बाकी जो बाकी पांच शुरू ताक़ीद नहीं पैदा करते लेकिन नस्ब जरूर करते हैं तो आप देखें ये अस आता के ऊपर मैंने वो सर्कल भी किया हुआ है कि ता मरबूता के जो है वो जबर हुई हुई है और वो जबर किस लिए हुई है उसको क्या नाम देंगे इसमें ना देंगे लाल ला के कारण बिल्कुल और करीब खबर इन्ना बिल्कुल सही अब इस जुमले का नाम ले लें जुमला इसमिया जुमला इसमिया तर्जमा करें ला अल्लाह का मतलब होता है शायद जी। और आता का मतलब है क्यामत, क्यामत अच्छा क्यामत करीब है बिल्कुल ठीक है वैसे सा का मतलब होता है घड़ी तो ये मतलब क्यामत की घड़ी ठीक है तो ये मायने उसकी तरफ जा रहा है कि वो कौन सी घड़ी है क्यामत की घड़ी कि शायद क्यामत की घड़ी करीब है क्यामत का वक्त करीब है वक्त भी कहते हैं सा को चले दस माशाला बहुत अच्छा किया आपने जी नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर है जीकुम वाले किसी का रेज है लेकिन मुझे है, ये नहीं थी। ये अच्छा, थी। अच्छा अच्छा ठीक है लाकिना ये क्या है ये हर फे मुशबाफेल है और वो जो आपने निशानी बताई थी इसमें नून की निशानी भी है तशदीद के साथ जो चार थे, जी इसलिए भी आसानी से पहचाना गया है ठीक आगे आजाब हाँ, इसके ऊपर ना तनवीन है ना ही इस पे अल है क्या वजह लगती है क्या हो सकता है ये तनवीन भी नहीं है तो आगे जब तनवीन भी नहीं है अल भी नहीं है तो फिर ना अगले लफ्ज को भी नहीं करेंगे अगले लफ्ज ये क्या है मुदाफ, मुदाफ। हाँ ये मुदाफ हो जाएगा और अल्लाह ही रबुल अफजुल जलाल अल्लाह रबुल इज्जत का नाम मुबारक जो है मुदाफ रहेगा ठीक है ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये क्या बनेगा अजाबा का जो इराब एरा, है वो क्या है आ, नसब, में। नसब में है तो क्यों है वो नसब में वो मुशबेर की वजह से वेरी गुड बिल्कुल ये जो बाकी ऊपर जबर है वो इस वजह से कि ये पूरा अब जो मुरक्कब इजाफी है ये इसम लाकिन ना बन रहा है आप लोगों ने पीछे लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया कि मुदाफ जो है वो हालत जर में क्यों जाता है यानी मुदाफ के नीचे अगर जेर होगी तो क्यों होगी या तो उसके पीछे हर्फ जर होगा या उसके पीछे एक और मुदाफ होगा फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मुदाफ जो है वो हालत रफा में क्यों जाता है उसकी दो वजूहत बताई थी कि हो सके सक, वो या तो मुफ्ता बन के आ रहा होगा मुफ्ता की जगह पर या फिर वो खबर बनकर आ रहा होगा तब उस जो मुदाफ होता है वो उसके ऊपर पेश होती है आज आपने ये भी सीख लिया कि मुदाफ के ऊपर जबर क्यों होती है वो इसलिए जबर होती है क्योंकि उसके पीछे हरफिन है यानी हरफ फेल तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज मुरक्कब इजाफी की जो तीनों जो इराब होते हैं कि वो जर में क्यों जाता है वो रफा में क्यों जाता है वो नसब में क्यों जाता है आज आपकी ये तीनों सूरत हाल कम्प्लीट हो गई ठीक हो गया अभी और भी सूरत हाल है क्योंकि अभी हम जुमला फेलिया पे नहीं पहुंचे जुमला इसमें जो सूरत हाल होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफी हद तक कंप्लीट कर ली है अभी हम चलते हैं शदीद उन के वो क्या है ये खबर है हम्म बिल्कुल ये खबर इन्ना सिर्फ खबर ना कहे खबर लाकिन्ना ख़बर अच्छा अब लाकिन्ना अपने इसम लाकिन्ना और खबर लाकिन्ना से मिलके कौन सा जुमला बना जुमला इसमिया जुमला इसमिया जी तर्जमा करें आ, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा शदीद है हम्म

उसके क्लियर जबर है न, तो कहेंगे तो मुफ्त कभी नहीं हो सकता अब मुफ्त की रिक्वायरमेंट है कि वो लाजमी रफा में हो अब रफा में नहीं है तो इसको मुफ्त नहीं बल्कि इसम इन्ना क्योंकि इसको इन्ना ने तब्दील किया है आगे, आगे जाए इन ये मुदाफ है इन द और इसको क्यों, क्या कहते हैं मुदाफ तो है ये कि खास एक खास मुदाफ है इस मुदाफ को क्या कहेंगे जर्फ, मुदाफ जर्फ, जर्फ। इसम जर्फ जो है ना वो मुदाफ बन रहा है और अल्लाह लफ्जा मुदाफिल हो गया ये पूरा मिलके बन गया मुरक्कब इजाफी अभी हम ये बाद में देखते हैं कि मुरक्कब इजाफी जुमले के अंदर क्या बन रहा है पहले हम अल इस्लाम को देख लेते हैं ये क्या है अल-इस्लाम खबर इस खबर वेरी गुड खबर इना अब यहाँ पे अल इसलिए लगा है कभी कभी खबर मार्फा भी होती है ना क्योंकि अल इस्लाम अब ये खास दीन की बात हो रही है कि किसी भी इस्लाम की बात मतलब एक आम लफ्ज की मायने इस्लाम की तो मायने है ना कि सलामती तो ये एज ए नॉर्मल सलामती के तौर पे नहीं हो रहा बल्कि एक मजहब के तौर पर बात हो रही है तो इसलिए इसको अल कहा गया है ठीक हो गया अब यहाँ पे इसम इन्ना भी मौजूद है खबर इन्ना भी अब जो जर्फ से बनने वाला मुदाफ होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है उसको एक ना? मुरकब की तरह ट्रीट किया जाता है अगर मैं कहूँ मुरक्कब जारी की तरह ट्रीट किया जाता है तो फिर आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे नहीं मुझे नहीं इसका ये जो जर्फ से बनने वाला मरकब इजाफी होता है ना इसको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे मरकब जारी yeah. ये यहाँ पे मुतलिक बनेगा ठीक है जिस तरह मरकब जारी जुमले के अंदर मुतल बनता है ना तो ये जर्फ से बनने वाला मरकब इजाफी भी मुतल बनता है तो हम इसको कहेंगे मुतल की खबर ये खबर से मुतल एक बात है ठीक हो गया ये, अब खबर फिर क्या चीज इन्नाई के मुतल होगी ये नहीं ये खबर ही से मुतल होगी हाँ ना आपने खबर ही ना बोला ना ये खबर ही से मुझे खबर है मैं सोचती हूँ आप इना क्या रही खबर ही ना यानी इस करिए खबरना इसमें से मुलक होगी क्योंकि अल इस्लाम जो ये ये मस्दर है ना ये मस्तर है ना इन ये जो मतलब बनते हैं आठ चीजों से मुतलिक होते हैं उसमें एक मस्तर भी है मस्तर से मुतलिक होता है फेल से मुलिक होता है इसमालल इस्मफूल तो ये इन चीजों से मुतल बनता है तो इस वक्त अल इस्लाम एक मस्तर है अब इन्ना हाँ इस मना खबर इन्ना और के खबर से मिल के कौन सा जुमला बना जुमला इसमिया जुमला इसमिया आप तर्जुमा करें बेशक अल्लाह के करीब इसका करे बेश बेश के करीब या नजदीक इस्लाम हाँ मैंने लिखा है इस सिर्फ इस्लाम है इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी देखिये मुतल खबर पहले आ गया खबर पहले आ गया है से. तो थोड़ा सा जोर और पैदा करना है कि बेशक के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है या सिर्फ सिर्फ इस्लाम है या इस्लाम ही है जिस तरह भी अब हमारा अंदाज है कि हम उसके अंदर किस तरह एक जोर पैदा करते हैं किस तरह एक एम्फेसिस पैदा करते हैं वो हमारे ऊपर है कि हम इस्लाम ही है करके बात करें या सिर्फ इस्लाम है इसरा करके बात करें तो जोर तो पैदा हो गया ना दोनों ही लफ्जों से चाहे जिसना भी पैदा करें तो इस जुमले में भी इस आयत में भी दो तरह की ताकीदे हैं एक इन्ना की ताकीद और एक जो मुताल खबर पहले आ गई है खबर से उसकी वजह से ताकीद माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया वेल डन वेरी वेरी नाइस नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर है वालेकुम असल वरि वरक जी आ जाए आप <coughs> या आज क्या हो रहा है <laughs> चले कोई बात नहीं बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं <laughs> इन्ना ने आज हमारा भी हसन सब तब्दील कर रहा है बार बार इंटरनेट को चेंज करके है ना चले चलिए आप मुझे बताएं इन्ना अब दोबारा बार बार वैसे इन्ना आ रहा है लेकिन आप फिर भी बताएं क्या क्या है इन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है नासिबा है हर पे ताकीद है वेरी गुड ठीक हो गया अब अल्लाह लफ्जुल जलाला जो है ये इस वक्त क्या है अल्लाह लफ्जुल जलाला इस वक्त इन्ना इस्मु इन्ना है आप सबको स्क्रीन हो रही है जी मैम पर उधर इन्ना के नीचे लिखा हुआ आ रहा है हर फिर नासिबा ताकीद मुशबा बिलफेल नहीं मैम ये तो नहीं आ रहा बस इन्ना इतना आ रहा है अच्छा ठीक है इन आगे आपने बताया अल्लाह लजुल जलाला जो है ये वो है इसम इन्ना है ठीक है।, है तो उसके, उसके बाद फिर क्या बने बनेगा हरफ जार है मैम नहीं नहीं, नहीं हर अच्छा जर्फ है जी जी बिल्कुल ठीक है वो है हरफ हरफ जी अच्छा अब इसे जो है बल -बल कराते हैं। ये तो मजाक बन के आते हैं आवाज नहीं साफ आ रही ये ये हमेशा, हमेशा मुदाफत कराते हैं लग 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 क्या है? ये मजरूर है ये है, मजरूर है। बिल्कुल ठीक हो गया मुदाफ हो गया और ये इसम मजरूर हो गया मुदाफिला बन रहा है इस वक्त ठीक है अजरीना इस वक्त मुदाफिला ही है क्योंकि मा इसम जफ मुदाफ है अब मुदाफ और मुदाफिला मिल के इजाफी बना अब ये पूरा मरकब इजाफी जो है इसको कुछ बनाना है ठीक है यहाँ पे अब केयरफुल होकर करना है कि ये जर्फ से बनने वाला मुदाफ है अब इसको हम खबर नहीं कह सकते ठीक है तो असली खबर यहाँ मौजूद भी नहीं है क्योंकि आयत का जितना हिस्सा था वो यही है तो अब इसको हम क्या कहेंगे ये कायम शुभ जमिलायम खबर का है वेरी गुड ये शिबू जुमला बन गया और शिबू जुमला जो है वो काय मुकाम खबर बनेगा अगर खबर मौजूद ना हो तो पिछली जो आयते गुजरिये देखे वहां पर खबर मौजूद थी तो हमने कहा कि मुतल खबर अब चूंकि खबर मौजूद नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि काय काय मुकाम खबर इन्ना ठीक है क्योंकि इसने खबर की जगह ले ली अब इन्ना जो है अपने खबर काय मुकाम खबर इन्ना से मिलके पूरा कौन सा जुमला बना जुमला इसमिया जुमला इसमिया तर्जमा करें बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है बिल्कुल सही दस गुड माशा अल्लाह अच्छा नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ अच्छा नेक्स्ट अभी एक और आया था चले ये भी आप जल्दी कोशिश कर जरा तेज करें, करें क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का कोई अच्छा, पता नहीं आज फिर जी तो, जी इन्ना तो काफी बार रिपीट हो चुका है इसलिए इसको मैं खुद कर देती हूँ अलमुतकीना ये ईना की साउंड क्यों है क्योंकि ये मैम मनसूब है मंसूब है क्यों मंसूब है क्योंकि ये इस मुइना बन गया है और तीन खबर उन्ना बना ना, 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 ना अभी मातूफ भी तो बनेगा ना अच्छा, अच्छा जी इस ये मातुफ मातूफ अपने मातूफ अलह से मिलकर बनेगा बनेगा मजरूर, बने मजरूर हो जाएगा पूरा और ये फी के लिए यहाँ पे असली खबर मौजूद नहीं है तो इसलिए ये काय मुकाबर खबर इन्ना बन गया इसमें अपनी कायर इन्ना से मिल के पूरा बन गया जुमला इसमिया आप इसका तर्जमा करें बेशक मत बागों में में होंगे व और चश्मों हाँ जन्नतों और चश्मों में होंगे जन्नत जन्नत को जो है ना जन्नत कहें या बाग कहें दोनों तरह से तर्जमा जो है ना वो ठीक है कि जन्नतों और चश्मों में या बागों और चश्मों में माशाल्लाह था इसको बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताती चलूंगी इस स्लाइड में की इन्ना ने यहाँ पे कितने लफ्जों को जो है ना नसब में ले गया है अल अलमुसलिमीना ये भी नसब है अल मुस्लिमाती ये भी नसब है मुमिनीना नसब है मुमिनाती नसब है कौन नसब कान ताती नसब साना या इनफेक्ट ये पूरी जो है ना आयत ये इन की वजह से नसब में है क्योंकि वाओ हरफ आतिफ़ा बीच में आ रहा है वाओ हरफ आतफ ने इन सब को तो यहाँ पे देखे मातूफ कितने ज्यादा है ठीक है मुकब अथवी हमने अभी पीछे ही किया है तो आपको इस वजह से काफी अब आइडिया हो गया होगा कि ये मातूफ जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो ये सारे अल्फाज इस वक्त ये पूरी एंड तक जो है अज्जा की राती भी मतलब ये सारा जो है ये सारे जो है ये इस वक्त हालत नसब में है क्यों क्योंकि पीछे हर्फ नासिबा एक हर्फ नासिबा ने कितने अल्फाज को नसब में ले गया माशाल्लाह ये हर्फ की ताकत है हर्फ जो है ना अगले लफ्ज को बदल के रख देते हैं अब यहाँ पे कुछ तीन चीजें हैं तीन डिफरेंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको पता हो कि ईना की साउंड जो है वो क्या क्या बनकर आ सकती है अभी तक जो हमने जुमला इसमिया सीखा मीन शैतानी तो यहाँ पे अशतानी का अब इराब जो है आप ये समझे कि मैं आप सबसे पूछ रही हूँ ठीक है और आपने अपने तौर पर जवाब देना है ठीक है इस वक्त अशतानी का इराब क्या होगा मजरूर क्यों क्योंकि इसमें पीछे हरफे जर लगा हुआ है यहाँ पे अब अगली आयत में ये तीन डिफरेंट आयते हैं और तीनों में अश अश्य, सॉरी मैं शैतानी पढ़ रही हूँ अशया ज्यादा शैतान जमा है ये अशया तो यहाँ पे जो अश्शया है यहाँ पे जो इराब है अब क्या होगा यहाँ पे अब आपने पीछे देखना है क्या पीछे हरफे जर है नो no. क्या पीछे मुदाफ है लग रहा है क्योंकि ना तो इसके ऊपर अल है ना इसके ऊपर तनवीन है अब हम अगर एक ला से ये सोचे कि क्या पीछे कोई हरफ नासिबा तो नहीं है क्योंकि ईना की साउंड तो नसब में भी आती है नहीं ये अखवाना जो है ये हरफ नासब हरफ नसब में से नहीं है वो जो छह हरूफ आज हमने पढ़े हैं उन छह हरूफ में से नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नस, इस वक्त नसब हालत में नहीं हो सकता तो फिर ये हरफ जर भी नहीं है तो ये मजरूर वाला वाला नहीं है मरकब जारी वाला मजरूर नहीं है तो इसका मतलब ये मरकब इजाफी बन रहा है और वहां पे ये मुदाफ़ इले बनेगा मजरूर है और ये मुदाफ अ है अब जो अगला अश्शयाती ना है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका इराब देखते हैं कि क्या इसके पीछे हरफे जर है नो no. क्या इसके पीछे कोई मुदाफ है नो no. बल्कि ये लाकन्ना जो है ये हरफ नासिबा में से है तो अब यहाँ पे अश्शयातीना जो है ये मनसूब है क्योंकि ये इसम इना बन रहा है तो देखिए एक ही लफ्ज डिफरेंट आयतों में आया है एक ही जैसा इना की साउंड से लेकिन उसकी पीछे वजुहार डिफरेंट है उस वजह से उसका इराब भी डिफरेंट है मजरूर दो बार आया है लेकिन उसमें भी दोनों बार मजरूर में इसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है एक बार ये इसम मजरूर बन रहा है तो दूसरी बार ये मुदाफ मुदाफी बन रहा है इसलिए मजरूर है और तीसरी बार ये इसम इन्ना है तो मंसूब बन रहा है अच्छा अभी हम एक और चीज देख लेते हैं अब यहाँ पे देखें असम वाति वल और ये पूरा मरकब अतफी जो है ये देखेंगे कि इस वक्त इसकी इराबी हालत क्या है असमावाती वल अर्दी को मैंने में भी एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पे अब आपको काफी हद तक समझ लगेगा कि इस वक्त इसका जो एराब है ये मजरूर है क्योंकि हरफे जर फी लगा हुआ है नीचे आ जाए यहाँ पे असमावाती वल अर्दी का एराब क्या है तो यहाँ पे भी ये मजरूर है क्योंकि यहाँ पे मैं अंदाजा कहाँ से लगा रही हूँ अल अर्दी क्योंकि मजरूर है अल अर्दी मजरूर है तो इसका मतलब असमावाती भी मजरूर है अब मजरूर होने की दो वजूहत हैं या तो पीछे हरफे जर हो या फिर पीछे मुदाफ हो तो ये रब्बू जो है हरफे जड़ तो नहीं है तो ये मुदाफ है क्योंकि ना इसके ऊपर अल और ना ही तनवीन तो इसका मतलब कि ये मजरूर है मुदाफ इलाह होने की वजह से अब आगे हम चलते हैं असमवाती ये जो मुक्ब अथवी इस वक्त हालत नसब में है वो क्यों है क्यों क्योंकि पीछे अन्ना लगा हुआ है और ये इस वक्त पूरा मरकबाथवी हालत नसब में है यानी इसम अन्ना बन रहा है तो देखिए सेम मरकब है लेकिन बस सिर्फ थोड़े से वो असमी वाल यहाँ पे दाद के ऊपर जबर है लेकिन पीछे किस किसना चेंज हो रही है और आई होप कि अब आप इस पोजीशन पे पहुंच गई होंगी कि अब आप पहचान कर सकती हैं कब वो हरफे जड़ की वजह से मजरूर है कब वो मुरकब इजाफी की वजह से मजरूर है और कब वो मंसूब है पीछे हरफ नासिबा की वजह से यानी हरफ मुशबाबिल फेल की वजह से वो हालत तीनों ही सिचुएशन में समावाती है लेकिन कब ये नसब है अब आपको पता चल गया होगा चल गया होगा स्क्रीन फिर ड्रॉप हो गई <laughs> चले इसको आप जल्दी से इनशाला टॉपिक को फिनिश करते हैं मुझे लगता है इंटरनेट भी अब जो है ना साथ छोड़ रहा है आपने ऐसा चार्ट बनाना है हमने मजरूरात जो है यानी मजरूर होने की किसी भी इसम के मजरूर होने की दो वजूहत सीख ली है एक है कि वो इसम मजरूर हो दूसरी वजह यह है कि वो मुदाफ बन रहा हो अब हमने ये मजरूर की तरफ अब हमने नहीं आना क्योंकि मजरूर की जो वजुहत है वो हम सीख चुके हैं मजरूर वाली किस्सा कहानी खत्म अब सिर्फ मरफू और मनसूब इनको हमने देखना है मनसूब की तेरह वजूहत है किसी इसम में जाने की और मरफू होने की आठ वजूहत हैं जिनमें से मनसूब मजरूरा तो हमने कर लिया ठीक है अब हम जो मरफूहत सीख रहे हैं कि मुफ्त मरफूह होता है खबर मरफूह होती है और मंसूब में हमने सीखा कि इसम इन्ना जो है या इन्ना अखवा ठीक है वो मंसूब होता है इसके अलावा खबर इन्ना या अखवा जो है ये मरफू होता है तो ये तीन ये चीजें जो अभी हमने सीखी ये चार्ट हमारा आगे चलता रहेगा कोई वजह किसी वजह से अगर मंसूब कोई चीज होती है तो अब हम इस कैटेगरी में डालेंगे जब कोई चीज अब मरफू हम सीखेंगे तो वो भी हम इस कैटेगरी में सीखेंगे डाल, डालते जाएंगे ताकि हमारा ये चार्ट भी कंप्लीट होता जाए आप अपने तौर पर भी इस चार्ट को बनाएं अच्छा अब हम होमवर्क की तरफ आते हैं एक आपके लिए ये आयत है दूसरी आयत ये है ये जो मैंने शुरू में इस पे सर्कल करके इसको कलर किया हुआ वली तला इसका तर्जुमा नहीं करना आपने ठीक है ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखा है बीच में कि आपको पता चले कि अन्ना जो है वो आयत के दरमियान में आया है बाकी आपने तर्जुमा अन्ना से शुरू करना है और तरकीब भी अन्ना से शुरू करनी है एक आयत ये है एक ये है और लास्ट में ये चलें ये लास्ट जो है ना आई थिंक आपको नजर नहीं आया था ये वाली यहां तक हो गई थी आयत और एक ये आयत है ठीक है इसकी भी स्क्रीन शॉट ले लें और आज के लिए बहुत माजरत के इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम हुई है अब ये मेरे हाथ में नहीं है कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती तो बहरहाल आज का टॉपिक वैसे था बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बीच में क्लास जो इंटरप्ट होती रही है उसकी वजह से अब न, क्या किया जा सकता है चले दुआ कर लेते हैं सब سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا كثيرا <coughs>